हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज एट 6839, लगभग 450 रुपये के लॉस के साथ हम 6% नीचे बंद हुए। ये दर्शाता है हेवी एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग हिट कर रही है पूरे कमोडिटी मार्केट को। आप देख सकते हो गोल्ड, सिल्वर, सिर्फ कॉपर फ्लैट था, क्रूड और नेचुरल गैस, ये चारों कमोडिटी जो है मेजर कमोडिटी अच्छे खासे लॉस के साथ बंद हुई ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी रैली उसमें देख चुके थे ऑन फियर। यहाँ जो है तो क्रूड मंथली चार्ट पे हमें लगभग दिखाई दे रहा है 4.25% गेन के साथ लगभग 280 रुपये प्लस दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ फे। और यहाँ जो है तो ये तीसरा महीना रहेगा क्रूड के लिए गेनिंग का। हमने लगभग दिसंबर में 15% की रैली देखी, जनवरी में लगभग 17% की, और इस महीने भी हमने अच्छी खासी रैली देखी थी, मगर ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और जो इन्वेस्टर है वो पैसा जो है तो ऑफ द टेबल कर रहे हैं, अपने इनकैश कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट है उनको इनकैश कर रहे हैं। यहाँ जो है तो हमने क्रूड में लगभग 7600 के ऊपर के लेवल देखे थे और लो था इस महीने का लगभग 6478, तो लगभग 1100-1200 पॉइंट की ऑलरेडी रेंज देख चुके हैं और ऊपर के लेवल से जो है तो प्रॉफिट बुकिंग हिट कर रही है मार्केट। और ये लाज में भी, क्योंकि 3 महीने हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं और लगभग इस साल के सभी इन्वेस्टमेंट टारगेट लगभग लगभग हम अचीव कर चुके हैं। लास्ट टारगेट था 8100 का, तो वो भी टारगेट शायद लगभग अचीव हो चुका है। हो सकता है अगर ये वॉर सिचुएशन और वर्स हो गई तो हमें 8100 और उसके ऊपर के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ वॉलेटिलिटी एट द पीक रहेगी और ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो इस वीक हम लगभग फ्लैट नेगेटिव बंद हुए हैं 5 रुपये के लॉस के साथ, तो ये क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ऊपर के टारगेट अचीव करने के बाद ऊपर से अभी जो है तो मेजर हैंड प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ फ्रेश शॉर्ट भी देखने को मिल रहे हैं अराउंड द टॉप। तो यहाँ जो है तो नीचे वीकली चार्ट पे आपको सपोर्ट दिखेगा 6120 का, तो अगर ये 6120 पे आता है तो वहाँ से शायद हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा फिर से रिवर्सल देखने को मिले। अगर उसके नीचे जाता है तो जो मेजर सपोर्ट रहेगा क्रूड के लिए वो रहेगा लगभग 5100 के अराउंड, क्योंकि वो पिवट पॉइंट है इस साल के लिए, हमने अभी तक पिवट को टच नहीं किए हैं। तो ये था बुल रन, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे कि पिवट को टच भी नहीं किया या बीच में हमें करेक्शन भी देखने को नहीं मिला। तो ये रैली आगे भी कंटिन्यू हो सकती है थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद। अभी भी जो है तो ट्रेंड बरकरार है, सिर्फ मोमेंटम जो है तो थोड़ा सा अभी फेज आउट हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रहा है मार्केट में। तो यह 6120 का जो लेवल है वो आपको क्लोजली देखना है एज ए वीकली क्लोजिंग बेसिस। उसके नीचे जो है तो हम डीपर करेक्शन में जा सकते हैं, अगर वहाँ से रिवर्सल आता है तो हमें 8100 के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। तो यहाँ थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन और करेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है क्रूड ऑयल मीडियम टर्म में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे क्रूड ऑलरेडी सब टारगेट अचीव कर लिए इसीलिए करेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि R1, R2, R3 सब अचीव होने के बाद उसके बाद में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है जो हमने फ्राइडे के दिन देखी है लगभग 6% की। तो यहाँ डीपर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि नीचे जो है तो सपोर्ट बहुत ही डीपर है, तो यहाँ जो मेजर एवरेजेस है और अभी भी बाय सिग्नल बरकरार है, अगर ये सेल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो हम डीपर करेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ जब तक क्रूड जो है तो 6680 के ऊपर है तो रिवर्सल की ज़्यादा संभावना है, यहाँ से फिर से हम जो है तो रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6680 के नीचे, थोड़ा सा नीचे 20-30 पॉइंट, तो 6650 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। और यहाँ जो टारगेट रहेगा फाइनल टारगेट वो रहेगा 8100, बट दिक्कत की बात ये है कि डेली चार्ट पे सेल सिग्नल आ चुका है ऑन RSI, तो यहाँ जो है तो डीपर करेक्शन आ सकता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम सुपर ट्रेंड तोड़ के नीचे के लेवल देख सकते हैं जो हमने वीकली चार्ट पे भी देखे थे। तो यहाँ नीचे की तरफ 6430 ये पहला टारगेट रहेगा जो 50 डेज का एवरेज है, उसके बाद में 6100 जो 100 डेज का एवरेज है, और डीपर जो टारगेट आता है अगर डीपर करेक्शन आया तो 5650 का जो 200 डेज का एवरेज है। इतना डीपर तो नहीं जाएगा शायद क्रूड ऑयल। तो
तो हम शायद 6430 और अगर उससे थोड़ा सा डिप आए तो 6100 के लेवल जो है तो आने वाले दिनों में देख सकते हैं। उसके लिए पहले क्रूड ऑयल को 6680 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ देखना होगा कि हम 6680 का लेवल तोड़ते हैं या नहीं। अगर वो टूट जाता है तो हम डीपर करेक्शन आते हुए देखेंगे। और यहाँ जो है तो इंट्राडे में और अभी जो है तो शॉर्ट सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, मगर यह रिस्क इतना है क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है आप देख सकते थे एक एक कैंडल 10-10% 12-12% की, तो स्टॉप लॉस उनके हाई पे रहता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो वायबल ही नहीं रहेगा क्योंकि आपका टारगेट रहेगा 3% का और स्टॉप लॉस रहेगा 6% का। तो इससे अच्छा है कि वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ स्टॉप लॉस रिस्क प्रोफाइल में अपने बैठता नहीं है, तो यहाँ ट्रेड ना करने की सलाह रहेगी। हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे जो 15 मिनट या फिर आवरली चार्ट पे, मगर यहाँ जो पोजिशनल ट्रेड है शायद अभी बनता नहीं है मार्केट में। हम देखेंगे कि 6680 अगर टूटता है तो फिर ट्रेड ले सकते हैं, मगर वहाँ भी स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल है आपको डीपर स्टॉप लॉस रख के ही चलना पड़ेगा, और वो जो है तो ट्रेडिंग में वायबल नहीं है क्योंकि अगर आपका टारगेट 3% का है और स्टॉप लॉस 6% का है तो आप ज़्यादा पैसे लूज करोगे एज़ कम्पेयर टू अर्निंग, तो वो सेंस नहीं बनता है उस ट्रेड का, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे। मगर यहाँ डायरेक्शन ले सकते हो, यहाँ मुझे लगता है कि करेक्शन आ सकते हैं, मगर उसके लिए पहले 6680 तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद में 6430 और 6100 के टारगेट क्रूड ऑयल दिखा सकते हैं एज अ करेक्शन। अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ करेक्शन रहेगा, जो भी आएगा ये करेक्शन रहेगा लॉन्गर टर्म चार्ट पे। यहाँ से फिर से हमें बाइंग के मौके मिलेंगे 6100 से, अगर रिवर्सल आता है तो वहाँ से क्रूड का जो नेक्स्ट बिग टारगेट बनेगा वो 2000 पॉइंट ऊपर रहेगा और वो रहेगा 8100 का। तो यहाँ वेट एंड वॉच कीजिए, नीचे के लेवल आते हैं तो हम बाइंग की ही कोशिश करेंगे, वहाँ जो है तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में रहेगा। तो हमने डेली चार्ट पे देखा, डेली चार्ट में करेक्शन है और नीचे के लेवल आ सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी करेक्टिव है, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है मार्केट में और जो सपोर्ट है उसकी तरफ क्रूड ऑयल जा सकते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट पे भी 3 महीने के बाद थोड़ा सा थकता हुआ लग रहा है क्रूड ऑयल, और यहाँ भी थोड़ा सा साइडवेज और करेक्टिव मूव आ सकता है। यहाँ जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 6100 के अराउंड है, तो उसको टेस्ट करने के लिए क्रूड ऑयल आ सकता है। अगर डीपर करेक्शन आया तो 5100 का टारगेट भी आ सकता है, उसके लिए वैसे सीनेरियो बनने चाहिए। फिलहाल के लिए 6100 के टारगेट मुझे दिखते हैं अगर डीपर करेक्शन ट्रिगर या कंटिन्यू होता है तो। ऑलरेडी करेक्शन स्टार्ट हुआ है, अगर वो कंटिन्यू होता है तो 6100 के टारगेट हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगले वीक के ट्रेडिंग में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको हमारी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.